giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me feels lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. लेडी मनोज कुमार दीपू शर्मा जी, वो खास बैंगलोर से यहाँ पर हमारा ये फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये अकेली ऐसी फीमेल है जो सारे मेल्स की मिमिक्री करती है। हाँ जी, इनको भी, इनका भी नंबर लगेगा, अभी हम टैलेंट देखेंगे इनका भी। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माई फ्रेंड, थैंक यू मिस्टर सिंह। क्या भाई, रोल था, रोल था मामा, रोल था। निकिता जी की मम्मा प्लीज आ जाइए, सब कुछ इन्हीं की वजह से है तो। ओह मम्मा, आई डोंट बिलीव, ये पूरी पूरी छोड़ इन्हीं की तरफ से। निकिता और डायरेक्टर और सब लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, एंड द सॉन्ग इज लुकिंग वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग, लॉट्स ऑफ लव, गुड लक टू यू, एंड आई एम श्योर इसके बाद और भी बहुत ज्यादा ऐसे म्यूजिक वीडियोस बनाएंगे और फिल्म भी बनाएंगे बहुत जल्दी। ये तो दिख रहा है, इनकी एक्टिंग वैक्टिंग दिख रही है मेरे को, तो बहुत जल्दी हम लोग स्क्रीन पे भी देखेंगे। धोखा की हमने देखा गया, धोखा दिया गया, उसको टाको मारा गया, अभी धोखा दिया किसी ने आपको, लेकिन अगर इतनी छोटी छोटी बातों में पति मारे जाने लगे तो कल को पतियों को कोरोना फैल जाएगा। गाना बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा पिक्चर है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया है। और मैं दिल से चाहता हूँ कि ये गाना बहुत वायरल हो, जिसके होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, और दुआ तो यही है, क्योंकि आज कहते हैं कि जो गाना रील्स पे हिट है वो जनता में हिट है। तो मेरी दिल से दुआ है कि तुम्हारा गाना ये रील बन जाए। क्या बात है, अच्छा से कुछ नहीं होगा, खुद को लेकिन अगर रील बनाने की बात है वो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसी दो बहनें मिलनी भी चाहिए ना, शेयर करने। अच्छा राजीव भाई, राजीव भाई आपने भी कहा छोटी बात है, छोटी बात है, कोई बीवी कहीं और चली जाए यार, एक तो ये ना पति कहीं और चला जाए, इतना बोल रहा है, ये इतना चला है ना कि छोटी सी बात को पकड़ के कैसे हो हल्ला मचाना है। यार मैंने जो किया है जोक को जोक की तरह लिया करो, अगर सीरियस ही हो ना तो किसी और के पास चले जाया करो, हमारे पास क्यों आते। नहीं नहीं देखो, मुद्दा बड़ा सीरियसली उठाया गया, हमारा काम है कि पतियों की वाट लगाई जाए, और जब हम बाहर होते हैं, सॉरी 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 मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम स्टैंड अप करते हैं तो अक्सर हमारा शादी में पत्नियों के ऊपर व्यंग किए जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इन्होंने आज गाने में आगे बदला ले लिया जितने व्यंग आज तक हमने किए थे। और निकिता ने जो कत्ल किया है उसके लिए माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गलत काम करेंगे तो माफी बनती है। नहीं बनती थी। अच्छा अगर लड़का धोखा खाता है तो देखो, लड़का धोखा खाता है वो पत्थर भी खाता है, लड़की मारी जानी चाहिए। नहीं आदिल भाई, क्या करेंगे आदिल भाई, मैं हिंसा के खिलाफ, मुझे था बैठ के सुलझा लिया जाता, लेकिन हमारा बजट खत्म हो गया था वहाँ पे आगे गाने का, हमने कहा अब क्या करें, सुलझाने के लिए एक दिन का और शूट चाहिए था, काफी इमोशनल हो गया। मेरी राय धोखा वर्ड मुझे बहुत ज्यादा क्लोज है आप लोगों को, बिकॉज रियल लाइफ में मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है, तो इनसे यही मैं पूछ रहा था कि अगर लड़के को धोखा मिलता है तो क्या करना चाहिए, फिर भी लड़के को मारना चाहिए, तो ये लड़का
मरना बहुत आसान होता है, थोड़ी चीजों में ना मरना बहुत आसान। मैं ये कहता हूँ कि पहली बात है कि मरना, मौत, कत्ल, सुसाइड, ये किसी समस्या का हल नहीं बस सीरियसली, चलो मजाक एक तरफ, लेकिन सीरियस बात ये है कत्ल, आत्महत्या या डिप्रेशन में जाना या गम को गले से लगाए रखना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान हमेशा बातचीत से होता है। किसी भी चीज़ के लिए बातचीत अवश्य करनी चाहिए, गलती हुई है सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हिंसा थोड़ा सा मैं खून से डरता हूँ। चलिए अजय भाई आपका देख क्या होगा इस पर? नो देखिए, गाने का गाना मैंने देखा, गाना बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस। इन्होंने निकिता ने बहुत हार्ड वर्क किया है उसमें, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। जब मैं देख रहा हूँ ऑन स्क्रीन इनका, मैं जो गाना देखा, शी इज डन अ वेरी गुड वर्क एंड आई रियली बेस्ट गुड विशेस टू हर कि गाना बहुत ज़्यादा अच्छा चले। तहे दिल से मैं आई वॉन्ट टू प्रमोट दिस सॉन्ग, दैट इज व्हाई। जैसे कि अभी आपने कहा कि धोखा, दिल में कहीं आया कि धोखे तो फिर जाते, लेकिन संविधान के वजह से हम कुछ नहीं कर सकते और हमको करना नहीं चाहिए। बट एंड ऑफ द डे दिस इज, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं ऑफ बीट करूँ तो पूरी टॉपिक अब बदल जाएगी, ये लोग भी उठ के चले जाएंगे बेचारे। सो आई हैव रियली कम टू प्रमोट दिस सॉन्ग बिकॉज शी इज डन अ वेरी गुड वर्क हियर। ज्यादा क्लोज है बट ये गाना थोड़ा ऑपोजिट था, यही मैं कह रहा था कि अगर लड़के को धोखा मिलता है तो क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं हाँ वो ज्यादा चलेगा, इनफैक्ट अगर वो होगा ना बहुत ज्यादा चलेगा। आदि आपकी लाइफ से कहीं मिलता जुलता है ये, मेल खाता है? डेफिनेटली डेफिनेटली खाता है, बहुत ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? हाँ हो चुका है। एक्चुअली क्या है मेरी लाइफ में, लड़का इनोसेंट है और उसको छुरी होता है ना, लास्ट सीन हो गया है, उल्टा हो गया है। निकिता मेरी 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 स्टोरी। निकिता क्या कहना चाहोगे आदिल के बारे में, क्या जवाब आपका इसके बारे में? आदिल ने जो बोला कि कहीं ना कहीं स्टोरी मेल खाती है। बट अभी फिलहाल आदिल के इमोशंस हम समझ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट इसका बनाना चाहिए और उसमें लड़की का मर्डर करना चाहिए। कहीं ना कहीं रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ में अगर धोखा मिलता है कहीं ना कहीं लोग जो है गलत कदम उठाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? कुछ नहीं, धोखा करोगे तो मारे मारे जाओगे, सिंपल है। धोखा नहीं देना चाहिए, एक मौका नहीं देना चाहिए। आदिल ने कितने मौके दिए, मौके के बीच में जेल भी तो चला गया मैं, मौके देते देते। में आप साथ में काम करोगे आदिल और आप? नहीं, क्या है कि मैं साथ में काम करने के लिए बात नहीं है, बात ये है कि अभी स्टोरी ये हो रही है कि ये लड़की का मर्डर करेंगे, ठीक है ना? अब वो मेरा मर्डर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, तो हम उसमें भी और एक लड़की रख लेंगे, हम उसका उसका मर्डर करेंगे। आदिल भाई इसमें क्या बेस्ट पार्ट आपको अच्छा लगा? म्यूजिक सब लोग पसंद किया? नहीं, ये गाना बहुत अच्छा था बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा शी इज अ वेरी गुड एक्टर इन दैट, इन्होंने बहुत मेहनत की उसमें, जो इमोशंस के साथ वो जो दुख वाला रोने का जो होता है ना वो सीन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म एंड शी इज डन इट वेरी वेल। मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा, मैं वेरी क्राइंग। और गाने कौन से वर्ड्स आपको बेहतरीन लगे ये बताइए? एक दो बार देखूंगा फिर बताऊंगा। निकिता जी आप मूवमेंट को शेयर करें जो शूट के दौरान कुछ आपका जो मूवमेंट होगा। शूट के दौरान हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी और बुरी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। रेस्टी हैं जो हमारे मेन स्टार हैं, इनकी वजह से ही सारा पंगा हुआ। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने, तीनों ने बहुत मेहनत की है, हमारा म्यूजिक में और कॉन्सेप्ट में हमारे कुणाल जी ने बहुत मेहनत की है। मैंने पहले तीन सॉन्ग किए हैं, ये वाला थोड़ा अलग था क्योंकि ऐसा मैंने कभी प्ले नहीं किया, तो मेरे को डायरेक्टर साहब ने बोला कि मेरी आंखों इस गाने में जो गैर है वो मैं हूँ और सब अपने जो चुना गया, जिसने चुना है वो ये और जिसे चुना लगा है वो ओके। सो ये सोचा, ये तो इन्होंने प्लान किया था मुझे, मैंने इतना इजीली नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कुछ कर दूंगी, हम तो कुछ और काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो तुम करो और तुम्हें यूं 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 इस तरह से करना है। मैंने सोचा कि ठीक है लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो, और
फाइनली ये आपने देखा वो बाहर आया है प्रोडक्ट बनकर, सो क्यों आपने मुझे फोर्स किया? मुझे लगा कि आप कर सकते हैं, आपकी वजह से क्लेश हो सकता है जो बहुत रियल लगेगा और वो हुआ भी है, सबने अप्रिशिएट किया कि उसे मौका नहीं मिला। मौत देना मौत धोखेबाज को वापस आके मौत धोखेबाज कोई धोखा मतलब मौका बहुत सारे डीएम आएंगे तुम्हें शाम में आज मैं इधर नहीं एक्चुअली जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आदिल, बट एंड ऑफ द डे अच्छा ही होगा। आदिल सामने देखो, देखे हैं औरों की महफिल में बन के मौत सीने पे तंज कसता है, दिल तोड़ के मेरा गैरों में हंसता है, उन्हें लगते हैं अच्छे कोई गैर सुन लिया, हमें छोड़ के जी उसने कोई गैर चुन लिया, हुण किद्दा मन समझावा उन्हूं किवें मैं मनावा, कदमां विच दिल तेरे बेबस हो गई मर जावा, छड़ जिंदगी मैं मौत नू है खैर चुन लिया, उन्हें लगते हैं। वीडियो सबको अच्छा लगेगा, बड़ी मेहनत की है हम सबने। मैं कहना चाहूंगी निकी ट्यून्स पे ये रिलीज हुआ है आज आप सबके सामने, सब उसे गाना सुनिए, उसकी रील्स बनाइए और हम सब को टैग करिए। मैं हूँ आस्था रावल, ये है रेस्ट। सॉन्ग में बहुत मेहनत करी है बच्चे ने, तीनों आर्टिस्टों ने बहुत मेहनत करी है। लाइट कम हाँ अलग सूट था वो टाइम पे, काफ़ी वो एंजर हुई थी और इसीलिए के सॉन्ग में जितना उसको प्यार मिलना चाहिए, जितना उनको तरक्की मिलनी चाहिए इतनी उनको मिले, ये मेरा आशीर्वाद है उनसे, और इससे भी ज़्यादा तरक्की करे, इससे भी ज़्यादा खुश करके वो आगे जाए, वो मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू। ये गाना जब निकिता करने वाली थी